हेलो एंड वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग विद एमएसए इंप्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही आसान सा टॉपिक जिसका नाम है रिवेटेड कनेक्शन। इसमें हम लोगों ने अभी तक 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देख लिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सारे सवाल के जो है वो क्या है, स्टेप्स फिक्स हैं, सारे सवाल के लगभग चीज़ें जो है वो सिमिलरली एक जैसे ही दिख रहे हैं हम लोगों को। चलिए आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। और वो 4 क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 4 कि नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड हम लोग निकालेंगे टू कनेक्ट अ टेंशन मेंबर ऑफ अ रूफ ट्रस। ये सवाल जानबूझ के मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो और फिर जो है वो देखिए ये सवाल है कनेक्शन का और आप इसमें अप्रोच लगाइएगा टेंशन मेंबर का। मुझे पता है क्योंकि आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं हो, तो मैं ये सवाल पढ़ता हूँ आपके सामने और इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं ला सकूं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखते के साथ, क्वेश्चन के साथ क्या करना है, आपने बात करना, बात कीजिए, बिल्कुल हिम्मत के साथ बात कीजिए, है ना, डरा के बात कीजिए, पूछिए इससे चाहता क्या है। देखिए पूछता हूँ मैं, फाइंड द नंबर ऑफ पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। चलिए ठीक है, पहले इसने बोल दिया कि पावर ड्रिवन है और कैसा है, फील्ड रिवेट है। फील्ड रिवेट है आपका, पावर ड्रिवन है, हैंड ड्रिवन है, दोनों के लिए परमिसिबल लिमिट एक ही है, ठीक है, अपन देख चुके हैं पहले इसको। रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ टेंशन मेंबर, देखिए यहाँ जैसे ही आप नाम पढ़ोगे टेंशन मेंबर, आप थोड़ा सा पढ़ोगे और बोलोगे भाई ये टेंशन मेंबर का सवाल है। टेंशन मेंबर का सवाल नहीं है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ पावर ड्रिवन रिवेट, आपसे नंबर ऑफ रिवेट मांगा गया है। अब चाहे वो नंबर ऑफ रिवेट वो टेंशन मेंबर में लगाए, ट्रस में लगाए, बीम में लगाए, कॉलम में लगाए, अपने को कोई लेना देना नहीं है इससे। क्या लेना देना है अपने को, बस अब सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, नंबर ऑफ रिवेट फाइंड आउट करना है। ये सब सवाल क्या है कि लंबा बनाने के लिए, डराने के लिए 3-4 चीज़ें जोड़ दी जाती है। इन अ रूफ ट्रस, देखिए साथ में क्या कहा, टेंशन मेंबर है, किस में लगा हुआ है, रूफ ट्रस में, कोई मतलब नहीं है। टू अ गसेट प्लेट 6 mm थिक, हाँ इससे मतलब है कि थिकनेस कितनी है, 6 mm है। द टेंशन मेंबर इज अ फ्लैट ऑफ साइज, जो टेंशन मेंबर ये बार बार कह रहा है वो क्या है भाई, एक लोहे का फ्लैट है, फ्लैट है तो इसकी साइज होगी, साइज कितनी है, विड्थ कितनी है, 75 mm है और थिकनेस कितनी है, 6 mm है। देखिए दोनों केस में 6 mm ही है, मतलब मिनिमम थिकनेस 6 mm है। इज सब्जेक्टेड टू पुल 48 kN, ठीक है, कितने से पुल खींचा जा रहा है उसको, 48 kN से। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ रिवेट निकालना है। लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ ये भी सॉल्व होगा, कुछ भी इसमें नया नहीं है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके लिए मैं खुद को थोड़ा गायब करूँ क्योंकि पूरे पेज में लिखना होता है ना, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। देखिए अब मैं लिखता हूँ, लिखता क्या हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। सवाल पढ़िए, हर एक सवाल को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, सवाल अपने आप बताएगा आपको करना क्या है। देखिए आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है, अपन ने पढ़ा था ना अभी, क्या दिया गया है जी, हाँ ये पावर, पावर ड्रिवन फील्ड, फील्ड रिवेट्स, रिवेट्स है, ठीक है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, क्या क्या लिखनी पड़ेंगी, टाउ ऑफ VF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 MPa, बहुत आसानी से। अच्छा सिग्मा ऑफ PF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 MPa, और कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए दो ही चीज़ें अपने को चाहिए, अपने को टीयरिंग तो चेक ही नहीं करना है। अच्छा थिकनेस कितनी हो जाएगी, आप थिकनेस चाहे मिनिमम बात कीजिए, दोनों तो 6 ही है ना, तो 6 mm ही होगी, चाहे गसेट प्लेट के लिए बात कीजिए चाहे फिर मेंबर के लिए बात कीजिए, क्या है थिकनेस, 6 mm फिक्स है। लोड कितना प्रोवाइड किया गया है, लोड प्रोवाइड किया गया है 48 kN का लोड प्रोवाइड किया गया है। और कुछ चाहिए क्या, और कुछ एक चीज़ चाहिए हमें जो कि इसने नहीं दिया है, निकाल लेते हैं क्या नहीं दिया। देखिए मैं लिखता हूँ डाया ऑफ रिवेट, ये नहीं दिया हुआ है, तो कैसे मैं निकालूंगा इसको, इसको मैं निकालूंगा अनविंस फॉर्मूले को यूज करते हुए। अच्छा कुछ नया तो नहीं है, अनविंस फॉर्मूला बताया थे मैंने, क्या 6.01√T-min, ठीक है, तो थिकनेस मिनिमम तो इसमें एक ही है 6 mm, निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए कितना है आपके पास, 6.01√ थिकनेस, थिकनेस कितना है बाबा, 6 mm, चलिए बहुत बढ़िया 6 mm है, अरे मान जा 6 mm है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 14.72। मैंने एक क्वेश्चन में आपको घटा के भी बताया था, इस क्वेश्चन में मैं बढ़ा के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, मैं बढ़ा के ले लेता हूँ 16 mm।
आप 14 mm भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका डिज़ाइन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। 16 mm, तो जब आपने आपने डायामीटर ऑफ द रिवेट निकाल लिया, नेट डाया ऑफ द रिवेट, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, रिवेट, ठीक है। ग्रॉस डाया अगर आपने निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, आप बस चेक कीजिएगा कि आपका जो नेट डाया है वो 25 से छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो कितना जोड़ेंगे भाई, इसमें इसमें हम लोग जोड़ेंगे 16 + 1.5, यानी डाया ऑफ होल निकाल रहे हैं ना, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। कितना हो जाएगा देखिए, 17.5 mm, ठीक है। मैंने कहा ना, अनविंस फॉर्मूले से जो आपके पास आया है, आप 14 mm भी ले लीजिएगा तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इतना कुछ निकलने के बाद आपने करना क्या है। आपने करना है भाई कि नंबर ऑफ रिवेट निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहली चीज निकालिएगा शियरिंग स्ट्रेंथ इन शियरिंग। शियरिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप तो रट गए होंगे, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ वी एफ, ये टाउ है, जेड नहीं है, टाउ वी एफ। देखिए इसको जरा रख करके, यही रख के देख लेता हूँ, तो पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, डी कितना आया था आपका, 17.5 आया था मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही। और टाउ वी एफ की वैल्यू कितनी लेनी है, अगर शॉप रिवेट है, शॉप रिवेट के केस में टाउ वी एफ की वैल्यू हमको लेनी है 19 MPa, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको वैल्यू देगा कितना, 21,647.5 N, किलो न्यूटन में देखिएगा, 3 decimal इधर ले आते हैं, 21.64 kN। दूसरा स्ट्रेंथ इन बियरिंग, स्ट्रेंथ इन बियरिंग के लिए फॉर्मूला क्या बताया, प्रोजेक्टेड एरिया ना, यानी डी इंटू टी मिनिमम इंटू सिग्मा ऑफ पीएफ। चलिए यहीं पर लिख देता हूं, डी हमारे पास कितना है, 17.5 इंटू टी हमारे पास कितना आया है भाई, टी हमारे पास है 6 mm। अच्छा उसके बाद सिग्मा ऑफ पीएफ की वैल्यू कितनी है, 270। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत ही प्यार से आपको एक वैल्यू देगा, वो होगा 28,350 N। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 28.35 kN होगा। अच्छा यहाँ रुक करके मैं एक बात करता हूँ आप लोगों के साथ कि आपका जिस तरह से अभी दिमाग चल रहा है, मैं जान रहा हूँ आप क्या सोच रहे होगे कि अभी तक हम लोगों ने जितना अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें मिनिमम स्ट्रेंथ किस पर मिला है भाई, हमको शेयरिंग में मिला है। तो आप ये सोच रहे होगे क्यों ना एग्जाम में सिर्फ शेयरिंग ही निकाल करके छोड़ देते हैं, यहीं से हम लोग नंबर ऑफ रिवेट निकाल देते हैं, बेयरिंग निकालने की जरूरत क्या है, हर बार तो हमको स्मॉल वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है, शेयरिंग मिल रहा है। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, स्टेप के नंबर होते हैं, आपको बेयरिंग निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्यपूर्ण कभी कभी क्या होता है, बेयरिंग की वैल्यू कम हो जाती है, तो चाहे आपको ये पता है कि शेयरिंग की वैल्यू ही कम आएगी लेकिन फिर भी आपको बेयरिंग निकालना होगा। अगर आपने स्टेप छोड़ा तो जब एग्जामिनर है वो भी क्या करेगा, कुछ नंबर आपके लिए छोड़ देगा। देखिए अब आपको क्या निकालना होगा, यहाँ से रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू निकाल लेते हैं, रिवेट वैल्यू क्या होगा, मिनिमम ऑफ शेयरिंग एंड बियरिंग। तो देखिए इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 28 वाली या 21 वाली, 21 वाली तो कौन सी हो जाएगी, 21.64 kN। चलिए अब इतना कुछ आने के बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रिवेट निकालना है, रिवेट्स, नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकलेगा, लोड डिवाइडेड बाई रिवेट वैल्यू। अच्छा लोड कितना दिया हुआ है आपको, 48 kN, रिवेट वैल्यू आपने कितना निकाला है, 21.64 ना, ठीक है 64 kN। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 2.21, इतना तो हो नहीं सकता, तो आप क्या कीजिएगा, खोल नंबर लीजिएगा क्या, 3 rivets। देखिए कितना ज़्यादा आसान था ये सवाल। अब आप एक बार इसके सॉल्यूशन को देख लिया आपने, अब मैं फिर से कहूंगा आपको एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन को देखिएगा, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है, एग्जामिनेशन में कंफर्म है कि आप यहाँ दिमाग लगाने लगिएगा कि ये कोई टेंशन मेंबर है जिसको हमको डिजाइन करना है। भाई आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ रिवेट पूछा है, इसलिए सवाल को पढ़िए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है हर एक सवाल। ज़रूरत ये होती है कि सवाल को बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से पढ़ा जाए। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आए, क्योंकि रिवेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते थे, जिस तरह के भी हो सकते थे, मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को सारा का सारा मैं सॉल्व करा दूं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है रिवेट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला हुआ है, आप वो क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं फिर से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपने दोस्तों तक चैनल को जरूर से जरूर शेयर करना है, और क्या करना है, पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।